और अब बात करते हैं रीवा की, जहां नगर निगम के होने वाले महापौर और पार्षद चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्रकार अनीता पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ पहुंची अनीता पांडे ने बताया कि उनका वार्ड एक संपन्न वार्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन खुली नालियां, पार्कों का ना होना, मीठा पानी ना मिलना, इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। इस वार्ड में जो भी पार्षद चुने गए हैं उन्होंने वार्ड की समस्याओं को नहीं उठाया, जिसके चलते आज भी खुली नालियां, गलियों में अंधेरा और पार्क विहीन ये वार्ड है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड के लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो हर संभव प्रयास करेंगी कि वार्ड 11 को एक आदर्श वार्ड बनाया जाए। आइए सुनते हैं निर्दलीय प्रत्याशी अनीता पांडे ने क्या कहा है। मेरा वार्ड 11 है, 11 वार्ड के अगर मेरे निवासी जीतते हैं वो सारे अगर मुझे विजयी बनाते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड में मीठे नल का कनेक्शन हर घर में होना चाहिए और पार्क की व्यवस्था नहीं है तो पार्क की व्यवस्था मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और अपने वार्ड के लोगों के लिए जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम, जगह का अभाव होता है तो मैं यही चाहूँगी कि जो वहाँ पे अपने पास कोई ऐसी जगह होगी उसको कम्युनिटी हॉल एक बना के लोगों को एक मुहैया कराऊँगी। उसमें लोग अपने छोटे बड़े कार्यक्रम या कोई भी त्यौहार या कोई भी इंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी उस पर अपना मना सकें। और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि अपने यहाँ जितने वार्ड में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जिस तरफ, और लोगों के पास बाकी सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, संपन्न वार्ड है अपना, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो सारी सुविधाएं दिलाने की कोशिश करूँगी।